family number one. बॉडी देना मेरे को, अब उन दोनों भाई का बैलेंस बराबर हो आइए मिसेस मल्होत्रा। बस अब आंखें खोलिए। भाई की डिटेल्स के अलावा कुछ भी पूछ ले। नहीं नहीं पापा, हम ये जानना चाह रहे थे कि इस प्यार की शुरुआत कहां से हुई, आपने हिम्मत कहां से जोड़ी शालिनी आंटी से पूछने की। एक मिनट राहुल भैया, अब ये शालिनी आंटी नहीं है, ये हमारी मम्मी बन गई है, इन्हें मम्मी कह के बुलाओ। क्यों आंटी? रश्मि बताओ ना पापा, कैसे शुरू हुआ ये सब? एक्चुअली बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, रात बहुत हो गई है, तुम्हें नींद आ रही होगी, चलो सो जाओ। कमला। नहीं पापा, हमें नींद नहीं आ रही है, इनफैक्ट हमने तो आज पूरे रात भर जागने का प्रोग्राम बनाया है। देख बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे तेरी फिक्र है, अगर तू रात भर जागेगी तो तेरी स्किन से ये सारा ग्लो निकल जाएगा। सच? मैं तो चली। ए, रुको, रुको। क्या पापा, आप भी हम बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो? शादी के बाद बदल गए क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं मेरे चांद। तो फिर क्या आप अपने बच्चों की इतनी भी बात नहीं मान सकते? अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोग प्रॉमिस करो कि कहानी सुनने के बाद तुम लोग फौरन सोने चले जाओगे। प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। अच्छा तो सुनो, तो यूं हुआ कि मैं और शालिनी जी मिले, हमने एक दूसरे को देखा, रास्ते में मुश्किलें आई लेकिन हम लोग डटे रहे, फिर हमने शादी कर ली, बस कहानी खत्म। अब तुम लोग सो, चलो कमला ऑफ टू बेड। पापा नो चीटिंग, हम इस लव स्टोरी का हर एक डिटेल सुन के रहेंगे। वो पहला नशा, पहला प्यार, वो खुमार, वो इंतजार, धीर, बस बस। ओके मम्मी, और हम ये सब डिटेल जाने बगैर यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। यस। अच्छा तो फिर सुनो, अब क्या करूं शालू? मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं जरा पानी पी के। शालू पापा आप सुनाइए ना। भाई वो जब मैंने क्या हुआ पापा? मेरा गला भी सूख रहा बेटा। भारती जा पापा के लिए पानी लेकर आ। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद पी के आता हूँ, अभी 10 मिनट में आया। पानी पीने के लिए 10 मिनट? पापा क्या साल भर का कोटा एक ही बार में कंप्लीट करने वाले? आप यहाँ? मैं यहाँ, थोड़ी प्यास लगी थी। झट पानी। तुम क्या समझती हो मुझे पानी की प्यास लगी? अच्छा तो जनाब बच्चों को उल्लू बना के आए हैं, आपकी तो कंप्लेन करनी पड़ेगी मिस्टर रोमांटिक पर्सनालिटी ऑफ द मिलेनियम। अरे हम किसी से डरते हैं क्या? दिल्ली वाले हैं, दिल्ली की सरकार पूरे भारत में राज करती है,
हम कम से कम अपने घर में तो कर सकते हैं। क्या कर रहे हो, बच्चे आ जाएंगे। अरे आ जाने दो, उन्हें भी देख लेने दो कि उनके पापा कितनी पहुंची हुई चीज है। आप बोल्ड होंगे बाबा, मैं नहीं हूँ। मैं बच्चों के सामने किसी एम्बेरसिंग सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहती। मैं तो चली। अरे शालू, शालू शालू सुनो तो। दीपक जी, क्या इस नई जिंदगी की शुरुआत सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे बच्चों की भी है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। बच्चों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारा प्यार उनके लिए कम है ना। क्यों मम्मी, पापा को अपनी स्पेशल चाय पिला रही थी क्या आप? ना 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 ना, अब मम्मी पापा को स्पेशल चाय क्यों पिलाएगी? स्पेशल चाय का स्पेशल इफेक्ट तो असर कर चुका है ना। दी बॉयज, अपनी रश्मि और भारती कहाँ भाई? हाय पापा, हम तो यहाँ हैं। हम यूं ही बाहर गार्डन में घूमने गए थे इस वक्त। हाँ मम्मी, वो अचानक हमें बहुत नींद आने लगी इसलिए हम गार्डन में घूम रहे थे। क्या हो रहा है सबको? तुमको नींद आ रही थी इसलिए घूमने गए थे? हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, हमें अभी बहुत नींद आ रही है। चलो चलो सो जाते हैं, come on, come on। अरे कहाँ जाओगे, बैठ के गप्पे मारते हैं। डैडी गप्पे तो कल सुबह भी मार सकते हैं। चलो ना उठो, सब लोग जाते सोते ही। देखो भारती, तुम्हें नींद आ रही है, तुम जाके सो जाओ। हमें नींद नहीं आ रही, हमें यही बैठना है। चूसली, अगर ये कह रही है सोने तो उठो। देखो ना मम्मी, मुझे चूसली बोल रही है। अच्छा 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 सो, अच्छा दो मिनट है, दो मिनट। देखो रश्मि भारती, अगर तुम लोगों को नींद नहीं आ रही है तो तुम लोग एक और वॉक पे चले जाना है ना। इन लोगों को यहाँ बैठना है तो बैठने दो। हाँ मम्मी। क्या चल, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा तो पापा, अब ये बताओ कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? अरे शुरुआत तो भाई पहले दिन ही हो गई थी। Of course, याद नहीं? मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल लंबी ड्राइव पर निकली थी। This is really, really too much. मतलब एक तुम मर्दों में यही खराबी है, एक लड़की ने हल्की सी स्माइल क्या दे दी तो आप लोग समझने लगे कि भाव दे रही है। जैसे हमें पता ही नहीं किस तरह की स्माइल का क्या मतलब है। Of course, I mean, sorry. क्या हुआ भाई? आपको नहीं, आपको नहीं, एक मिनट। अंदर ये बाहर से जो तुम इशारे इशारे कर रहे थे ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो कह रहा है यहाँ कहो, बोलो। हाँ वो मैं यानी हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम जाकर सोते हैं ना। माय गॉड, कितनी बार कहूँ, लिख कर दूँ, हमें नींद नहीं आ रही, हमें यहीं बैठना है, हमें मम्मी और पापा की लव स्टोरी सुननी है। अरे बाबा, तुम लोग को नींद नहीं आ रही है लेकिन मम्मी पापा को तो आ रही है ना। उन्हें दो मिनट भी अकेला नहीं छोड़ोगे क्या? नहीं, नहीं, नहीं। क्यों? उनको क्यों अकेले छोड़ना है? क्योंकि क्या लगा के रखा है? एक मिनट, मम्मी और पापा को इसलिए अकेला छोड़ना है ताकि हम सब एक रात चैन की नींद सोए। चलो चले गुड्डू। नहीं, हम नहीं आएंगे। अरे तू क्या, तेरा बाप भी चले। सॉरी पापा, चल। अरे हम नहीं आ सकते। तूफान चल, चलो ना जाते, चलो उठाओ भारती। हम तुझे उठाकर तो नहीं ले जा सकते मगर तेरा कान पकड़ के तो तुझे ले जा सकते ना। चल भारती, नहीं छोड़ूंगी। बाय। पापा हाँ। अंदर से दरवाजा लॉक कर लेना। हाँ क्यों नहीं, मच्छर आ जाएंगे ना। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। शालू, बच्चे अपने आप गए हैं, मैंने नहीं भेजा। हाँ तो आई मीन जानती हूँ ना,
दरवाजा बंद कर लें। अब क्या? क्योंकि मच्छर आ जाएंगे। लेकिन मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आती है। क्या मम्मी मम्मी की रट लगा रखी है? रहने दो उनको अकेले। लेकिन क्यों? ऐसे ही इस क्यों का जवाब बच्चों को नहीं दिया जाता। अरे यार तुम लोग चुप करके सोने का क्या लोगे? लोरी लोरी सुना के इनको सुना दो। अच्छा, लेकिन हम में से किसे लोरी आती है? रिलैक्स, मैं सुनू। इधर हम अपने चांद को देख रहे हैं। जरा घिसी पिटी लाइन है। है मानते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ट्रेडमार्क का काम करती है। इट ऑलवेज वर्क्स। अच्छा, अर्ज किया है इशाद। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, डिट्टो वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वाह, चीटिंग है चीटिंग। ये गाना तो मैंने कहीं सुना है। अरे नहीं यार, ये गाना तू कैसे सुन सकता है? ये गाना तो मेरे पापा ने बनाया। अबे यार ये किसी पुरानी पिक्चर का गाना है। अबे नहीं यार, ये डेफिनेटली मेरे पापा का शेर है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई पुराने टाइम का गाना है। अरे हाँ तो मेरे पापा ने लिखा होगा। कितने पुराने टाइम का? वो का। अबे क्या बात करता है। चुराया पापा ने बस, लेकिन वो डिट्टो वाली लाइन मेरी थी। हर तरफ तेरा जलवा, हर तरफ तेरा जलवा। रश्मि रश्मि जल्दी से उठो। राहुल राहुल, वीर भैया जल्दी से उठो। भारती क्या हुआ? हम लोग यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग यहाँ पर आराम से सो रहे हो और लगता है वो दोनों पॉकेट बम मम्मी डैडी के रूम में चले गए। ये कब हुआ? एक्चुअली वो दोनों रात को यहाँ से गायब थे। तुझे कैसे पता? वो बीच में मैं अपना वेकअप मेकअप करने उठी थी ना, वो दोनों यहाँ पर नहीं थे। तो तुमने हमें उठाया क्यों नहीं? मुझे याद नहीं रहा। रिलैक्स, रात को तो मम्मी डैडी को प्राइवेसी नहीं मिली, अभी देते हैं। तुम लोग सुबह सुबह क्या कर रहे हो भाई इधर? पापा आज हम तूफान और गुट्टू के साथ जॉगिंग पर जाने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कल रात को पापा ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें घुमाने ले जाएंगे। मैंने? हाँ तो ठीक है, पहले जॉगिंग करके घूमने की प्रैक्टिस कर लो। कम ऑन। क्या क्या मतलब? मतलब हर मतलब का मतलब पूछना जरूरी होता है। मुझे मालूम होता मतलब तो मैं तुझे मतलब पूछने का मौका देता। कम ऑन। यस जस्ट गो ऑन। गो ऑन। यस शालू डार्लिंग, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे हमारे बेटे बड़े हो रहे हैं? एक ग्रोइंग अप। क्या हुआ? अरे क्या प्रॉब्लम है यार गुट्टू, तुम दोनों तो कुछ समझते ही नहीं हो। क्या समझाना है हमको? मैं समझाती हूँ। मम्मी है ना, हम लोग के लिए एक स्पेशल डिश बनाना चाहती है। स्पेशल डिश? हाँ, वो हमें सरप्राइज देना चाहती है। मम्मी है ना, दीपक अंकल को ये बात सॉरी पापा से कहते हुए सुना। तो मैं क्या करूँ? ओह गुट्टू, कुछ तो समझा करो। अगर तुम दोनों घर पर रहोगे तो मम्मी सरप्राइज कैसे देगी? इसीलिए तो मैं तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ जॉगिंग पर चलो। ओ तो ऐसा बोलो ना। अबे मोटे, तेरे खोपड़ी में तो कोई बात घुसती नहीं और तेरे अखरोट जैसे सर में ये बात घुसने वाली भी नहीं है। चल इसीलिए मैं समझा। चलो चौकिंग चौकिंग।
अरे शालू, कंग्रेचुलेशंस। सारे बच्चे बाहर चले गए तो हम इस वक्त घर में अकेले हैं। तो मेरा मतलब है इस वक्त हम इस घर में दोनों अकेले हैं, अलोन एंड लोनली। तो बाहर जाके पतंग उड़ाते हैं। अगर मम्मी की डिश बन गई और हम बहुत दूर चले गए तो मम्मी हमें बुलाएगी कैसे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ना घर में जाएंगे ना गार्डन में जाएंगे। ना गार्डन जाओगे ना घर में जाओगे, और दैट इज फाइन यार, फिर यही जॉगिंग करो। रिलैक्स, हम यही जॉगिंग करेंगे। मम्मी को डिश बनाने में टाइम तो लगेगा ना, और हमें बाहर आए सिर्फ 10-15 मिनट ही तो हुए हैं। कोई है? ये तो मम्मी की आवाज है। Somebody help me! जॉगिंग। तूफान चल, मम्मी इज इन ट्रबल। Help! 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 Shut up! मुझे help करो, उन्हें रोको। Help! Help! For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.